लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम आ, एक मॉडल डिस्कस करेंगे जो कंडक्शन मॉडल है इलेक्ट्रिक कंडक्शन मॉडल और ये ये प्रपोज किया था है और जो पूरा मॉडल है वो बेस करता है जो कि हमारे पास रिलेशन शो करने के लिए है एक हमारे पास जो डेंसिटी है और मोशन ऑफ रिजिस्टिविटी सॉरी रजिस्टिविटी और मोशन ऑफ इन मेटल्स तो ओह को यूज करते हुए हम रिलेशन दिखाएंगे एक रेजिस्टिविटी में और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स में और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जैसे आपके पास कॉपर है और अगर कॉपर का अगर आप एक, एक एटम की बात करें तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा ना वो एटम के साथ अटैच होगा अगर आप सिर्फ एक एटम की बात करें लेकिन अगर जैसे ही आप उन सारे एटम्स को मिला के एक मेटल बना दोगे इकट्ठे रख दोगे तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएंगे सॉलिड में तो अगर आपके पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है और उसका एक एटम की बात करें आप तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ही अटैच होता है लेकिन जैसे आप उसे उन सारे बंच ऑफ एटम्स को मिला के एक बना दें सॉलिड बना दें मेटल बना दें तो फिर वो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव होंगे वो आ, 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 जो एटम से पूरे मटेरियल में वो फ्रीली ट्रेवर्स कर सकेंगे तो इसको इसको अक्सर लिए इसके लिए ट्रम यूज होती है जो ये मेटल में फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं इसे इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जा जा जाता है वो इलेक्ट्रॉन शो करते हैं रैंडम मोशन जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर को अप्लाई नहीं किया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होगी और ने जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होगी वो रैंडम होगी और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी बी इज एक पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड तो आप ये देखें ये डिफ्ट वेलोसिटी से बहुत कम वैल्यू uh, है और आप फिर वो जो कहेंगे कि इसमें जो uh, अगर इतनी स्पीड है तो इसमें करंट क्यों नहीं है फिर करंट जीरो क्यों है कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है तो हम मैर करते हैं कि कंडक्टर में करंट ज़ीरो है लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उसका आंसर ये है कि आपकी एक क्रॉस सेक्शन में से uh, जो नेट चार्ज है वो फ्लो नहीं हो रहा होता तो एक मरतबा यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शन है तो यूं अगर यू इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसी क्रॉस सेक्शन में तो नेट उसकी मोशन नहीं है कि एक तरफ मूव हो रहा हो जैसे कि जैसे कि ये हो सकता है इस तरह से तो नेट मोशन नहीं है तो फिर वो उसके अंदर वो में करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बेश जितनी मर्जी उसकी वेलोसिटी है ठीक है तो वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती एक क्रॉस सेक्शन में से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेट जो चार्ज है पास करता है वो डिपेंड करता है लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यानी कि आप पोटेंशियल अब बैटरी से अटैच करते हैं अपने कंडक्टर को तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलिश हो जाएगी क्योंकि आपके पास अगर नॉन जो रेजिस्टेंस के साथ कंडक्टर है कि उसमें रेजिस्टेंस नॉन जीरो है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी तब फिर वो इलेक्ट्रॉन शो करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरफ आही स्था, आही स्था होना शुरू जो साथ। लेकिन नेट मोशन होगी उनकी डायरेक्शन में और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है स्पीड कम होती है उसकी तो इस मॉडल में हमारे पास कुछ कुछ एजम्पन्स हैं ठीक है और है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन मोशन आफ्टर अ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मोशन बिफोर कुलजन ठीक है तो मैंने जैसे बताया कि आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में तो उसकी दरम्यान में जो आइंस पड़े हुए हैं है, उसके साथ टकराएगा भी सही है ठीक है तो उस स्नैरो को बेस मैं देखते हुए तो हमारे पास पहली जो एजम्पन है द इलेक्ट्रॉन मोशन आफ्टर अ एक्जन

इन दो दोलियन के दरम्यान में जो यहां से लेके यहां तक की जो इसकी वो है मोशन है वो इंडिपेंडेंट है इस मोशन के जो यहां से कुलेयन से पहले किया और ये इधर वाली जो मोशन है वो इधर वाली वो कुलेयन के इधर मोशन के इंडिपेंडेंट है तो दो कंजेक्टिव कुलयन है वो मैटर करती है वो पीछे वाली कुलयन की इंडिपेंडेंट है ठीक तो ये वाली जो कुल है ये जो मोशन होगी इन दो इन दो आइंस के दरम्यान में वो पहले वाले से

ये पॉजिटिव चार्ज चार्जिटिव पॉजिटिव कोर पड़ी हुई है तो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेगा जो एक्सेस एनर्जी होगी वो इसके साथ जब कोलाइड करेगा सारी की सारी एनर्जी इसको दे देगा फिर जो नेट आगे से इसके मोशन स्टार्ट करेगा वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा करेगा इधर कोलाइड सारी की सारी एनर्जी इसको दे देगा आगे से फिर दोबारा जो मोशन स्टार्ट करेगा वो जीरो वेलोसिटी से करेगा ठीक है ये पॉइंट बड़ा अहम है ये आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कैलकुलेशन हेल्पफुल होगा ये जोशन है तो जितनी ज्यादा एक्सेस एनर्जी है वो एक कुलयन में सारी की सारी इलेक्ट्रॉन दे, दे देगा इलेक्ट्रिक वो वो फील्ड उसको ड्राइव करना शुरू कर देगी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये जो है आपको बताती है कि जो असल में जो आ, आ, क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन टकराएगा आयन कोर के साथ और आयन कोर को अपनी एनर्जी दे, दे देगा वो एनर्जी क्या करेगी उन आयन कोर्स को वाइब्रेट करेगी और वाइब्रेशन से आपके पास वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर का तो आपने देखा होगा कि जैसे आप कंडक्टर है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है चेंज होना शुरू हो जाता है बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्सेस वो क्या करेगी एटॉमिक कोर को वाइब्रेट करेगी तो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो ये हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव और जो इसकी ग्राउंड uh, से जो इस मॉडल के हैं उसके ऊपर किन रजम्स पे खड़ा हुआ है और हमें किन दो क्वांटिटीज के दिमाग में अब हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिस्कशन की तरफ जाते हैं तो जैसे ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुई है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ऑपोजिट टू द फील्ड मूव होना शुरू कर देगा तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगी वो ये एफिजिकल टू क्यू हुई तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ओमजा ओमजा के नेट फोर्स जितनी इस पे अप्लाई हो रही है उन सम का सम इज इक्वल टू है मैस टाइम एक्सिलेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट तो ये मेरे पास आ गया रिलेशन तो मैंने यहाँ पे ए एक की वैल्यू एक्सट्रेक्ट कर ली और सम ऑफ फोर्सेस इज डिवाइड बाई मैस सम ऑफ फोर्स इज डिवाइड बाई तो ये मेरे पास आ गया सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्यू तो ये हमारे पास इस मटेरियल में सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे मैंने चूंकि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रही है इस वजह से से मैं पहले डिफाइन कर रहा हूँ कि टम्पे कोई भी जो कंजेक्टिव कुल है उसके दरम्यान की मैंने मोशन ली है ठीक तो ये मेरे पास ये आइन कोर्स है तो इनको जब यहाँ से तक, इस इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और जैसे यहाँ से टकराएगा सारी की सारी नजीस को दे देगा तो यहाँ से जैसे मैंने बताया कि वो अपनी जीरो से स्टार्ट करेगा और फिर इस टकराने से पहले जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल होगी इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर दुल और हमारे पास फाइनल जस्ट बिफोर दुलिस इस आइन इस इस कोर से टकराने से थोड़ा सा पहले जो हमारे पास फिलोसफी है उसे मैंने फाइनल कहा तो यहाँ से हमने स्टार्ट अगर आप मोशन स्टार्ट करें तो इन बिटवीन जो एक्सीशन होगा वो कांस्टेंट होगा अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपका एक्सीशन कांस्टेंट होगा और अगर आपका एक्सीशन कॉन्स्टेंट है तो आप ये इक्वेजन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं याद रहे कि ये जो इक्वेजन ऑफ मोशन है ये कॉन्स्टेंट एक्सीशन के लिए है। तो कॉन्स्टेंट एक्सीशन है तो फिर मैं यहाँ फील्ड uh, कॉन्स्टेंट है तो एक्सीशन कॉन्स्टेंट होगा तो आप ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ये, ये यूज कर सकते हैं तो ये आगे मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन अब मैं इसकी एवरेज लेना चाहता हूँ ओवर ऑल इलेक्ट्रॉन्स ठीक है लेट्स टेक एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी फाइनल की हमने एवरेज लेनी है ओवर ऑल इलेक्ट्रॉन्स अगर आप इनिशियल uh, वेलोसिटी की एवरेज लें uh, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारी की सारी जैसे मैंने बताया वो जीरो होंगी सारी की सारी जो वो एवरेज uh, वेलोसिटी है इसकी इलेक्ट्रॉन्स um, की वो आपके पास जीरो होंगी क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन अलेक्ट, कोर से टकराएगा उस वक्त सारी अपनी एनर्जी दे देगा फिर दोबारा वो जीरो जीरो से से मोशन स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी आपके पास वहां होगी एक, एक और हम क्वांटिटी uh, डिफाइन करते हैं फिजिकल पैरामीटर है वो है एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस तो एवरेज टाइम जो इंटरवल है किसी भी दो कोलिजंस के दरमियान में उसे हम कहते हैं टाओ ठीक तो डॉ डिपेंड करता है ऑन साइज ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है जैसे ही आपका जो अगर uh, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आइन कोड है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके पास इस तरफ से आ रहा है तो इन दो कंजेक्टिव कुलीन के दरम्यान में जो टाइम है उसे हम कहते हैं टाव है ठीक तो टाव मैंने बताया कि किस चीज पे डिपेंड करें साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा एक क्या आपके पास ऐसा मटेरियल है कि जिसका साइज ज्यादा है और एक मटेरियल जिसका जिसमें एटॉमिक साइज कम है इन दोनों पे डिपेंड करेगा टाव और दूसरा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नंबर डेंसिटी कितनी है पर यूनिट वॉल्यूम तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उसके कितने डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की तो अब आप जैसे मैंने बताया अगर आप पूरी सीक्वेंस की एवरेज लें तो जो आप इसकी एवरेज लेंगे तो ये जीरो है इसकी एवरेज लेंगे तो ये मैंने लिखा हुआ है और इसकी एवरेज ये भी जीरो हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है साथ टाइम का भी एवरेज आएगा टाइम की एवरेज ही आएगी तो ये मेरे पास टाव है तो वही फाइनल एवरेज इज इक्वल टू दरअसल यही वेलोसिटी है तो ये ये री मेरे पास जो इक्वेजन मोशन है अभी तक के लिए अब हम यूज कर लेते हैं इसके साथ जो हमारे पास पहले से रिलेशन है करंट डेंसिटी के ड्रिफ्ट लॉसी के साथ तो ये करंट डेंसिटी का रिलेशन है एक जे इज टू एन क्यू वी डी जो पिछले लेक्चर के पिछले से में आपने ये देखा है तो वी डी की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी ए क्यू ये है ए क्यू यहाँ से आ गया तो एन यहाँ पे है एन क्यू 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 स्क हो गया और एक ई e ऊपर से आ गया आपके पास और नीचे एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जितना ये पैरामीटर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक uh, फील्ड के अलावा एक तो हमारे पास और भी रिलेशन है जे का तो एक, एक, एक डिफ्लोर्स का रिलेशन है एक जे का ये भी तो रिलेशन है जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक तो अब आप कंपेरिजन कर लें कि अगर आपके पास इक्वल टू दिस है तो ये जो पोर्शन है आपके पास इक्वल टू होगा कंडक्टिविटी के ठीक कंपेरिजन से तो कंडक्टिविटी हमारे पास डिपेंड कर रही है कि मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं एक ये चीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम कितने हैं वो क्यों है टाओ पे डिपेंड कर रही है कि अगर आपके पास दो कुल के कंडक्टिव कुलय का जो टाइम है वो जितना ज्यादा होगा आपके पास कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी ठीक है तो टाइम जितना ज्यादा है दो कुलियन के दर्मियान में इसका मतलब है कि टकराव उतना कम है तो टकराव जितना कम होगा आपके पास कंडक्टिविटी जहर सी बार ज्यादा होगी कि उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए आसानी है जिसमें कंडक्टिव जल्दी कुलय होंगे तो टाइम इंटरवल आपके पास शॉर्ट होगा तो टाओ शॉर्ट होगा तो जब टावर शॉर्ट होगा तो आपके पास कंडक्टिविटी कम होगी तो यहाँ से आपको ऑब्वियस एक रिलेशन नजर आ रहा है कि जितने ज्यादा कुलैन होंगे वो कंजेक्टिव तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रुकेगा एज कम्पेयर टू द लॉन्ग इंटरवल फॉर द कुलय तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी अपोजिट है कि अगर मैस आपके पास इलेक्ट्रॉन के हैं और मैस पे जो मोशन है वो मैस के इंडिपेंडेंट है ठीक है जो कंडक्टिविटी है इसका रेसिप्रोकल आप देख लें रेसिप्रोकल सारे के जो टर्म्स हैं जो हमने आर्ग्यूमेंट दिए हैं इस कंडक्टिविटी के लिए आप उनका रेसिप्रोकल कर लें तो आपके पास है कि उतनी बड़े, कम हो बढ़ेगी जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम कम होंगे टाव आपके पास अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी और टाओ अगर आपके पास कम है तो रजिस्टिविटी सॉरी टाव अगर आपके पास ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी और टाव अगर आपके पास आ, कम है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो एक और चीज इन इन दोनों रिजल्ट्स में एक के ये डिपेंड नहीं करते आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ओम्स लॉ तो ये जो आपके पास जो रिलेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा ठीक तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट और है ओम्स लॉ की